हमें सीजन की सारी चीजों का एंजॉय करना चाहिए। आप सभी जानते हो फलियां हैं, करेले हैं, बीटरूट, चुकंदर है या बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसे बच्चे तो नहीं खाते लेकिन कई लोग बड़े भी नहीं खाते। उसकी कोई खास वजह होती है, जैसे कि सहजन की फली। सहजन की फली को मुंह से निकालना होता है इसलिए कई बड़े लोग भी नहीं खाते। मेरे घर में भी नहीं खाते थे लेकिन मैंने जब से ये ट्रिक फॉलो की है ना, अब सभी खाते हैं। लेकिन ये ट्रिक आपको फॉलो कैसे करनी है ये आप जरूर देख लीजिए। अब आपको करना क्या है, फलियों को अच्छे से वॉश कर लीजिए और पीसेस में कट कर लीजिए और छीलिए भी। छीलने के बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली हम इसे ऐसे ही बनाते हैं लेकिन कई लोग घर में इसे नहीं खाते क्योंकि इसे मुंह से निकालना होता है। अब हमें करना क्या होगा, इसे बीच में से दो कट करने हैं। दो कट करने के बाद छोटा सा स्पून ले लीजिए और इसे आप पूरा जो पल्प है ना अंदर का जिसे हम खाते हैं उन सारे पल्प को निकालते चले जाइए। ये इतनी टेस्टी सब्जी बनेगी ना, मतलब आप दीवाने हो जाओगे, ढूंढते रहोगे कि फलियां ये कब तक रहेंगी या कब मिलेंगी तो हम इसे बनाएं। ये बहुत हेल्दी होती हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। बस इसी तरीके से सारी फलियों का गूदा आप निकाल दीजिए। करीब मैंने हाफ केजी फलियां ली थी जिसका मैंने इस तरीके से पल्प निकाल लिया है। ये मैं दिखाना चाह रही थी कि कैसे मैंने इन्हें निकाला है। ये जो मैंने आपको दिखाया ना हाथ में, ये पीस वही होते हैं जो हम थाली में छोड़ देते हैं और मुँह से निकालते हैं, तो वो चीज़ मैंने आपकी प्रॉब्लम खत्म कर दी है। अब आप इसे प्याज में बनाएं या टमाटर में बनाएं। चलिए अभी हम क्या करते हैं, 3 से 4 टमाटर लेते हैं, उसे हम ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं पर मैं ग्रेट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं इस सब्जी में कुछ आलू भी डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को आलू के साथ थोड़ी अच्छी लगेगी ये सब्जी, खाना सीख जाएंगे। फिर आप चाहे बिना आलू के भी बनाएंगे तब भी बहुत अच्छी बनेगी। अब हम क्या करेंगे, आलू को मोटे मोटे पीसेस में कट कर दिया है और एक प्रेशर कुकर लिया है जिसमें मैंने ऑयल डाला है, थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है और आलूओं को थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल फ्राई ना करें चलेगा, लेकिन फ्राई करोगे ना तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा इस सब्जी का। और एक और बात, इन फलियों को ना आप चेक जरूर कीजिए कि कड़वी तो नहीं है, कड़वी होंगी तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो चेक करके ही लिया कीजिए फलियाँ, जो मीठी फलियाँ हों वही लिया कीजिए। आलूओं को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया और ऑयल एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिया, जितना हमें सब्जी में लगता है बस उतना ही ऑयल आप रखिए। अब इसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच जीरा। जीरा पकने के बाद इसमें कोई हींग वगैरह नहीं डालिए, आप इसमें डालिए टमाटर। 3 टमाटर को मैंने इस तरीके से क्रश कर लिया है। इसमें लहसुन प्याज मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मैंने 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च और अदरक को ग्रेट करके डाल दिया है। अब इसमें घर के 4 मसाले डालेंगे, नमक, मिर्च, धनिया और हल्दी, बस और कुछ नहीं डालना है। ये सब्जियाँ आप इतनी बढ़िया बना सकेंगे ना कि ऑफिस में भी आप टिफ़िन के लिए दे सकते हो, घर में भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनेंगी। जब ये टमाटर में सारे आपने मसाले डाल दिए तो उसके बाद आप ये फलियों का जो एक पूरा कटोरा हो गया था उसका जो अंदर गूदा सारा निकाल दिया तो उसे भूनिए अच्छे से। अब इसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच से भी कम चीनी के दाने। टमाटर की वजह से ये थोड़ी खट्टी खट्टी लगती है तो जरा सी आप चीनी डाल देंगे ना तो बैलेंस हो जाएगा और ये सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। अब आप इसे आलू डालकर साथ में भूनते जाइए, तेल भी ज़्यादा नहीं डालिए, बहुत ही अच्छी बनेगी। और भुनाई तब तक कीजिए जब तक कि सब्जी नीचे लगने न लगे, उससे क्या होगा टमाटर का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। जब तक ये पानी पूरा सूख न जाए तब तक आप भूनिए। जब आपको लगे कि हाँ अब ये पूरी भुन चुकी है सब्जी, तब आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए, करीब 1/2 कप के आसपास। बहुत ज़्यादा रसे वाली सब्जी नहीं बना रहे, सेमी लिक्विड ही बना रहे हैं। बस अब इसमें डाल दीजिए हरा धनिया और 1 से 2 विसल लगा लीजिए। कोई गरम मसाला नहीं, कोई कुछ नहीं, आप चाहें तो डाल सकते हैं पर मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल सब्जियाँ घर में, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती हैं, कम तेल में बहुत ही बढ़िया सब्जियाँ बन जाती हैं। इसे आप टिफिन में देंगे तो कौन ऐसा है कि जो इसे खाकर नहीं आएगा, बहुत पसंद करेगा। जब मैंने पहले ये सहजन की फली आपको सिखाई थी तब मैंने प्याज लहसुन के साथ बनाई थी लेकिन आज मैंने टमाटर में बनाई है। इसे कब बना रहे हो, ये सब्जी बनाने का तरीका नया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करती रहूँगी। चलिए चलते हैं एक और फलियों की सब्जी बनाने।
इस समय सेम की फली बहुत बढ़िया आ रही है। मेरे पास जो फलियां आई हैं बिल्कुल ताजी और खेत से आई हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो मुझे लगा ये फलियां भी अक्सर हम इग्नोर करते हैं, बच्चे तो खाना पसंद ही नहीं करते। आज इन फलियों को मैंने प्याज से बनाया है, आप चाहें तो इसके लिए भी प्याज हटा सकते हैं। फलियों को मैंने वॉश करके बारीक छोटी छोटी पीसेस में कट कर दिए हैं और इसके साथ भी मैंने आलू छोटे छोटे पीस डाल रही हूँ। आप चाहें तो अगर घर में कोई डायबिटिक वगैरह मेंबर हो तो उसके लिए आप निल्ली भी बना सकती हैं, मतलब फलियाँ, जरूरी नहीं है आलू डालें। अब हम आलू डाल रहे हैं क्योंकि, तो हम इसे कैसे बनाएं, तो सबसे पहले एक मैंने कढ़ाई ली है, ये नॉनस्टिक कढ़ाई नहीं है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला। थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद हम जब आलू डालते हैं ना तो कई बार चिपक जाते हैं, तो यहाँ मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे रही हूँ। बहुत थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के फटाफट से आलू जब डाल देंगे, मतलब धनिया पाउडर जलना नहीं चाहिए, एक हाथ से आप धनिया पाउडर डालिए और एक हाथ से आप आलू डाल दीजिए। उसके बाद जब आप इसे आलू को आप चलाते रहोगे तो बिल्कुल भी ये चिपकेगा नहीं आलू। ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम की है। ये सब्जी भी आप आराम से बच्चों के टिफिन में या फिर ऑफिस के लिए टिफिन में जो आप देते हो खाना, तो उसमें भी आप डाल सकते हो। अब आलू थोड़े से पक जाए, इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक और हल्दी। आप देखिएगा जब घर के चार मसालों से बहुत अच्छी सब्जी बन जाती है तो हम क्यों इतनी मेहनत करें। अब जब थोड़े से आलू कुक हो गए तो मैंने फलियों को जो मैंने कट करके रखी हैं वो मैं डाल रही हूँ। अब हमें थोड़ा सा फली और आलू को पकाना होगा। आलू को हमें 80% कुक करना है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है, बीच बीच में मैं देख के चला रही हूँ। जब मैंने चेक कर लिया कि आलू 80% तक कुक हो गए, आप चाहते इसी आलू और फली को बस मसाले डाल देते, नमक तो हम डाल ही चुके थे, धनिया और मिर्च डाल देते हो, ये भी चलेगी सब्जी। पर अगर आप चाहें थोड़ी सेमी लिक्विडी आपको चाहिए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आलू और मैंने फली को निकाल लिया है, अब जो बचा हुआ ऑयल है उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा। इसमें डाल रही हूँ मैं 2 कटी हुई हरी मिर्च, मिर्च को मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है। अब इसमें डाल दीजिए 1 प्याज बारीक कटा हुआ, इन्हें थोड़ा सा पकने दीजिए। अब इसमें मैंने 2 टमाटर को ऐसे ग्रेट किया था वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अब प्याज, हरी मिर्च और टमाटर को पकने दीजिए। आपका मन था तो आप प्याज के साथ थोड़ा लहसुन भी डाल सकते थे पर मैंने नहीं डाला। पहले थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल चुके हैं, बाकी का नमक, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च। मैं आपको क्वांटिटी इसलिए नहीं बता रही कि नॉर्मल आप जब ऑफिस का खाना बनाते हो या घर का खाना बनाते हो तो जैसा जिसके वो रिक्वायरमेंट होती है बस उतना ही मसाला डालते हैं ना, बस हमें वही मसाले डालने हैं। जब ये टमाटर प्याज अच्छे से पक जाए तो हमें ये जो कुक किए हुए फली और आलू थे ना उसे भी डालकर मिक्स करना है। रवास की फली हो, सेम की फली हो, ये कई टाइप की फलियां आती हैं, हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब इस सब्जी को कवर कीजिए और स्लो गैस कर दीजिए जब तक ये पूरी सब्जी सॉफ्ट ना हो जाए। जब सब्जी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तब इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा हरा धनिया। बस सर्व कीजिए, हो गया काम। आप रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी खाएंगे ना, आपको बेहद पसंद आएगा। या फिर इसी सब्जी को ब्रेड में डालकर टोस्ट बनाकर भी खाते हैं। मेरे घर तो बहुत खाते हैं कि मतलब सब्जी दिन की बची है, बस इसी सब्जी को आप ब्रेड में डालिए और टोस्टर को गैस पर पका लीजिए, बस हो गया नाश्ता। शाम का बहुत ही बढ़िया लगता है। सेम की फली आप किस तरीके से बनाते हो, मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हो ना कितनी बढ़िया सब्जी बनी है घर के चार मसालों में। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि कम मसालों में भी, कम तेल में भी हम कितनी बढ़िया सब्जी बना सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर।